हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेवंती की पौध कैसे लगाएं। पौध लगाने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये पौध जो होती है, ये सेवंती के छोटे छोटे प्लांट्स जो रूट से निकलते हैं उसी से बनती है। सेवंती का कोई भी बीज नहीं होता है और ये सर्दियों के टाइम में बहुत अच्छी लगती है। आज थोड़ा बारिश का मौसम है, आप देख सकते हो, तो इसलिए हम सेवंती की पौध लगाने जा रहे हैं। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सेवंती की पौध कैसे लगाएं। वो बहुत ही ईजी तरीके से लगती है पौध, आप घर पे बैठ के किसी भी वेस्टेज चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वेस्टेज चीज़ों में कैसे यूज़ की जाती है पौध लगाना, आसानी से घर में जो फालतू की चीज़ें होती हैं आप उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको वीडियो। पौध लगाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि सेवंती बहुत प्रकार की होती है। ये येल्लो कलर की है, ये मैरून कलर की है, और भी आपको दिखाता हूँ। ये येल्लो कलर की थी बट ये ख़त्म हो चुकी है, इसमें एक वाइट और होगा, हाल फिलहाल में अभी नहीं है। उसकी पौध हम बनाएंगे बट वो अभी दिख नहीं रही है। ये आप देख सकते हैं, ये सेवंती है। ये गुच्छों के गुच्छों में आती हैं, बहुत देखने में सुंदर लगती है, जो कि आपके घर की शोभा बढ़ाती है। तो चलिए चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको वीडियोस कि आपको पौध कैसे लगानी है, ये छोटे छोटे प्लांटिंग कैसे करनी है, ये सब आपको घर पर कैसे लगाना है। आइए चलिए चलते हैं। ये सेवंती की छोटी छोटी पौध है, मैं आपको दिखा दूँ कि छोटी छोटी पौध है और हम ये पौध लगाने जा रहे हैं, इनकी प्लांटिंग कर रहे हैं। थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है रायसेन में और ये छोटी छोटी पौध निकाल रहे हैं हम। ये देखिए, ये हमने पौध निकाल ली है सेवंती की, और ये मैरून कलर की सेवंती लग रही है और हम इसकी प्लांटिंग करने जा रहे हैं। आइए चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। हम घर की जो वेस्टेज चीज़ें यूज़ करते हैं, वो जैसे ये है डब्बा है, इसमें हमने मिट्टी भर ली है और इसमें नीचे एक छेद कर दिया है और ये पौध हम लगाने जा रहे हैं। ये देखिए, अभी आज मौसम थोड़ा सा बारिश जैसा हो रहा है तो ये हम पौध लगा रहे हैं। इसमें हमने खाद वगैरह सब कुछ डाल रखा है, तो ये पौध हमने लगा दी है मैरून कलर की है। बट अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये मैरून कलर की होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पौधे लग रहे हैं सेवंती के, और ये हमेशा पौध से ही होती है, इसका बीज नहीं होता है सेवंती का, जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा फूल देता है और सबसे अच्छा लगता है। ये खाद है, खाद का यूज़ कर रहे हैं, ये हमने खाद चारों तरफ से डाल दी है और आप देख सकते हैं ये सारी खाद। और कल तक ये जैसे ये पौधा भी मुरझा रहा है, ये कल मॉर्निंग में मैं आपको दिखाऊंगा, ये अच्छा खासा ठीक हो जाएगा। और साथ में दो छोटी छोटी पौध और है, जो कि ये पालक की तरह है दिख रहा है, बड़े इसमें फूल आते हैं, ये फूल के पौधे हैं। ये हम भी दो गमले तैयार कर रखे हैं, इसमें खाद वगैरह सब कुछ डाल रखा है। ये पौध हम लगाने जा रहे हैं, ये पौध लगा रहे हैं। ये देखिए, हमने मिट्टी वगैरह पहले ही तैयार करके रख ली थी, क्योंकि ये खेत की मिट्टी और थोड़ा टाइट थी, तो इसमें हमने डाल के और इसमें खाद वगैरह डाल के पानी से डाल के इसको पूरा गला लिया है। ये हम खाद यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा और भी, ये आप देख सकते हो, ये धनिया पत्ती जैसे लग रही है बट ये सेवंती है वाइट कलर की। इसमें काफ़ी गुच्छों में फूल आते हैं और वाइट कलर के होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं देखने में। और ये सारे पौध जो लगा रहे हैं वो विंटर सीजन में बहुत अच्छे फूल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। खाद का हम सब में यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी खाद डाल चुके हैं बट वो लेयर बाई लेयर डाली है हमने, थोड़े से मुरझा रहे हैं पौधे। सुबह तक मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पौधे सारे खड़े हो जाएंगे। ये बची कुछ ही पौधे, ये भी हम यूज़ करेंगे अभी। ये सारी पौध हम इसमें गाड़ चुके हैं और आप देखो फाइनली ये सब कुछ लग के तैयार हो चुका है। इसमें हमने सेवंती लगाई है, ये फ्लावर के पौधे लगाए हैं, ये भी फ्लावर का पौधा है, ये एक वाइट कलर की सेवंती है, थोड़ा सा डिफरेंट है,
मैं आपको दिखाऊंगा कल ये पौधे पूरे अच्छे से प्रॉपर तरीके से। आज थोड़ा बारिश का मौसम है और आप देख सकते हो कि बहुत मौसम ख़राब है ज़्यादा। हमने पौधे इसलिए गाड़ रखे हैं जिससे आसानी से पौध लग जाए, क्योंकि बारिश के मौसम में पौध 100% होती है और सर्दियों में सबसे ज़्यादा फूल खिलता है। ये देखिए आप, दिखाऊँ मैं आपको, गुलाब हमने इसकी भी कटिंग करी थी, इसकी भी ब्रांचेस लगा रखी हमने, आप मेरे अगली वीडियो में देखोगे। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये सेवंती की पौध जो फूल लगाई है, इस तरीके से पौधे के फूल जो आते हैं, ये सर्दियों में देख सकते हो कि गुच्छे के गुच्छों में फूल आते हैं। तो आप देख सकते हो ये मैरून कलर की सेवंती है, ये भी मॉर्निंग में बहुत खूबसूरत लगती है, घर की शोभा बढ़ाती है ये हमारी। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि और भी हमारे यहाँ सेवंती है, ये सर्दियों में आसानी से लग जाती है और बहुत जल्दी लगती है। इसका कोई बीज नहीं होता, सर्दियों पौध से लगती है, जैसे ये छोटी छोटी पौध लग रही है, इन्हीं को निकाल निकाल के प्लांट की जाती है। और इसी तरीके से आप चाहो तो विंटर सीज़न में लगाओ, इससे क्या इनकी कलमें बच जाती हैं आसानी से। ये छोटी छोटी पौधे आप देख रहे हो, इनकी हम प्लांटिंग करेंगे। और भी हमारे पास वैरायटी की सेवंती है, मैं आपको दिखाता हूँ। बट ये सेवंती येलो कलर की है, बट ये ख़त्म हो चुकी है अभी हाल फिलहाल में। और बारिश का मौसम हो रहा है, आप देख सकते हो कि बारिश की बूंदें टपक रही हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे यूट्यूब की वीडियोस की। थैंक यू सो मच।